हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे आपके जो है वो हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग में जो है वो भर्ती आपकी, उसके रिलेटेड जो है वो बात करेंगे। आपके जो है वो बजट में जो है वो 5000 पद जो है वो जल शक्ति विभाग में भरने की घोषणा यहाँ पे की गई थी, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। और दोस्तों, ये इस बजट की जो है वो सबसे बड़ी भर्ती यहाँ पे रहने वाली है और बेरोजगार युवाओं के लिए जो है वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो आज की वीडियो में जो है वो हम जल शक्ति विभाग से रिलेटेड बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पहले भी जल शक्ति विभाग में काफ़ी सारी भर्तियां पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और काफ़ी सारी जो है वो भर्तियां यहां पे निकाली गई थी, और जिसके जो रिजल्ट्स भी पेंडिंग है, तो उसके लिए जो है वो छात्र सत्याग्रह भी किया गया है। तो उससे जो है वो वहाँ पे 10 दिनों के भीतर सभी रिजल्ट्स को जो है वो अनाउंस करने की बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे जो है वो जल शक्ति विभाग से रिलेटेड यहाँ पे हम बात करेंगे, और काफ़ी बड़ी भर्ती यहाँ पे आपकी निकाली जाने वाली है और 5000 पद दोस्तों यहाँ पे आपके रहेंगे। तो इससे रिलेटेड जो है वो हम कम्प्लीट बात आज की वीडियो में हम करेंगे, और वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो ही आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन का पता यहाँ पर चलेगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, अगर चैनल पर तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो हम जो है वो आपके पास लाते रहते हैं। तो चलो जो है वो अपडेट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे 5000 पद। शिमला, यहाँ आप देख सकते हैं जल शक्ति विभाग में पेयजल, सिंचाई और सीवरेज योजनाओं के रखरखाव और परिचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5000 पद भरे जाएंगे। प्रदेश में वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से भू जल का संरक्षण किया जाएगा। छोटे छोटे चेक डैम बनाकर भू जल के स्तर में वृद्धि की जाएगी। सरकार वाटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल लाएगी। स्वच्छ पेयजल के लिए ब्लीचिंग पाउडर के बदले गैस उपयोग करेगी। मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग में 817 करोड़ से स्वच्छता सुविधा दी जाएगी। पानी के 50 नमूनों की जांच के लिए प्रति पंचायत 3300 रुपये जो है वो प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे। प्राकृतिक गड्ढों में जल संरक्षण के संग्रहण के माध्यम से भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए विस्तृत योजनाएँ कार्य योजनाएँ तैयार की जाएगी। जल परियोजनाओं का प्राकलन जो तैयार किया जाएगा, इसमें 10% प्रावधान भूजल संरक्षण के लिए होगा। पेयजल योजनाओं का जल स्तर सुधारने के लिए चरणबद्ध ढंग से 24 घंटे जल आपूर्ति उपलब्ध करवाने का प्रावधान होगा। तो पहले चरण में पायलट आधार पर नदी अथवा डैम के साथ लगती कुछ पंचायतों और नगर परिषद में पेयजल योजनाओं को 24 घंटे जल आपूर्ति योजना तैयार होगी। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पर पेयजल, सिंचाई और सीवरेज योजनाओं के रखरखाव और परिचालन के लिए जो है वो आपके विभिन्न श्रेणियों में 5000 पदों जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे, जिसमें कि आपके जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे चेक डैम बनाकर जो है वो भू जल की स्तर में वृद्धि की जाएगी। और यहाँ पे काफ़ी सारे, यहाँ भी आप देख सकते हैं, मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग में 817 करोड़ से स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। और जो है वो यहाँ पर काफ़ी सारी योजनाएँ चलाई जाएंगी, जिसमें कि पेयजल योजना होगी आपकी, और जो है वो आपका यहाँ पर 10% प्रावधान जो है वो भूजल संरक्षण के लिए होगा। और यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से 24 घंटे जलापूर्ति जो है वो उपलब्ध कराने का प्रावधान सुक्खू सरकार यहाँ पे करेगी। तो जल शक्ति विभाग में काफ़ी बड़ी भर्ती आपकी 5000 पदों पर भर्ती यहाँ पे आपकी करवाई जाएगी, जिसमें कि आपके जो है वो रिक्त पदों को यहाँ पर भरा जाएगा। और जो भी यहाँ पर आपको पता है कि 5000 पद जल शक्ति विभाग में जो है वो काफ़ी बड़ी भर्ती होगी, तो दोस्तों इस बजट की ये सबसे बड़ी भर्ती यहाँ पे आपकी मानी जा रही है, क्योंकि जल शक्ति विभाग में जो है वो जयराम सरकार के समय भी पद जो है वो भरे गए थे, और जो पद वहाँ पे जो है वो खाली रह गए थे, अब वो सुक्खू सरकार जो है वो उसको भरने के लिए तैयार है दोस्तों। जिसमें कि आपको पता है पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, पैरा वर्कर काफ़ी सारे पद इनमें होते हैं, तो उनको जो है वो यहाँ पे भरा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वाटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल भी जो है वो यहाँ पे सुक्खू सरकार लाएगी, और यहाँ पे जो है वो ब्लीचिंग पाउडर के बदले जो है वो गैस उपयोग करेगी, और यहाँ पे चरणबद्ध तरीक़ों से जो है वो पेयजल योजनाओं को सुधारा जाएगा। छोटे छोटे जो आपकी बताया नगर पंचायतों और नगर परिषदों में जो है वो पेयजल की जो है वो योजनाओं को 24 घंटे के लिए लाया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से जो है वो काफ़ी बड़ी ये भर्ती आपकी रहेगी, और यहाँ पे जो है वो जल शक्ति विभाग से ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो जो है वो आप यहाँ पे इस वीडियो को और यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी भर्ती यहाँ पे निकल के आ रही है। सो यही इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देनी थी, और जो है वो आपको बताना था कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी भर्ती यहाँ पे आपके निकल के आ रही है,
और चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके पास लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।